कर रहा था उस दिन, तो उसने श्रवण किया था हमने कि जिस समय कंस को भय हो गया वो तो क्या गया, देव की माता और वसुदेव को आत्मज्ञान देने लगा। उसी समय ही वसुदेव महाराज जी ने, प्रसंग बहुत बड़ा है, अगर सिंपली अगर हम सार को श्रवण करेंगे तो वसुदेव महाराज जी कुछ कर देने के लिए कंस के दरबार पे वहां पे गए थे नंद बाबा, और वहां उनके साक्षात्कार वसुदेव महाराज जी से, और उन्होंने थोड़ा इंगित करके बोल दिया कि आप जल्दी ही चले जाओ, क्योंकि उनको पता है कि अभी दुष्ट कंस क्या करेगा। जो माया देवी बोले हैं कि तुमको मारने वाला अन्यत्र जन्म ले चुका है, तो क्या करेगा, अभी सारे के सारे जहाँ अन्यत्र जो भी जन्म ले चुके हैं उनको मारने का प्रयास करेगा, क्योंकि दुष्ट मंदबुद्धि है, सबको ही मार जाएगा, उसको तो पता नहीं कि भगवान ने क्या जन्म दिया है। तो उसने, कंस ने अपने जितने भी सारे सखा और मंत्री सबको बुलाया, सब असुर अगासुर बकासुर केसी पूतना सब के सब वहां पे आए। वहां पे आए तो वहां पे, यहाँ पे बता रहे हैं भागवत जी में कि ये बकासुर का बहन जो पूतना है वो बकी नाम का एक राक्षस है। श्रीमद् भागवत में बता रहे हैं कि बकी नाम का एक राक्षसी है, पूतना जाती राक्षसी। वहां पे हमारे गुरुदेव उपेंद्र नारायण महाराज बोल रहे हैं कि पूतना जाती राक्षसी, पूतना उसका कोई विशेष नाम तो है लेकिन पूतना जाती राक्षसी, इसका मतलब है पूत अर्थात जो पवित्र ना अर्थात नहीं, जो पवित्र नहीं उसी प्रकार का राक्षसी हुई। तो पूतना ने वहां पे पूतना को भेजे, प्रसंग पर आए गए तो पूतना क्या गया हर जगह पे, वो जब ब्रजमंडल पे आए, जब भगवान के गोकुल में आए, पूतना एक ऐसा उनके उसके अंदर एक मंत्र था कि वो हर तरफ से कहीं से भी मक्खी से लेकर, वहां भागवत में बता रहे हैं कुछ मक्खी से भी लेके वो पूरा जो भी रूप जगत में है उसको धारण करने वाला उसके पास शक्ति था। उसने वो अति सुंदर रूप को पूतना धारण किया, और ये पूतना बोल रहे हैं कि कंसे न प्रेरिता घोरा पूतना बाल खातिनी शिशुश्चरश्च निभन्ति पूरा ग्राम प्रजादिषु। कंस ने प्रेरिता करा, ये कंस के प्रेरित से, कंस के जो पूर्व मंत्रणा से, कंस से प्रेरित होके ये क्या किया, ये पूतना बाल खातिनी बालकों को मारने के लिए इस पूतना ने पूर्व ग्रामम प्रजादिषु हर पूर्व में हर ग्राम में ये भ्रमण करने लगा बालक को मारने के लिए। इसके स्तन में कालकूट जहर लेके जिसको स्तनपान करेगा उसको मृत्यु हो जाएगा, विष देके मारने के लिए ये किया गया। अब मारेगा तो इसने क्या किया, बहुत सुंदर से एक सुंदरी अप्सरी रूप को धारण किया। तो यहाँ पे बता रहे हैं गुरुदेव बता रहे थे कि ये तो डायरेक्ट ब्रजमंडल में आ गया, और ब्रजमंडल में तो जहाँ पे भगवान का कथा होता है भगवान का कीर्तन होता है उसी जगह को कोई पूत पवित्र अपवित्र वस्तु छू ही नहीं सकता, और पूतना जो है जो पवित्र नहीं है ये कैसे ब्रजमंडल में आ गया, ये कैसे भगवान के धाम में प्रवेश कर गया जहाँ पे साक्षात भगवान है। तो वहां पे बोल रहे कि नजत्र श्रवणादीनि रक्षो ज्ञानी सुकर्मसु कुर्वन्ति सततं उत्तरयातु धन्यश्च तत्र हि, कि भगवान के जहाँ पे सब पुण्य जो मंगलमय कथा कीर्तन होता है जहाँ पे साक्षात भगवान होता है होते हैं वहां पे पूतना कैसे पहुंच गए। तो यहाँ पे एक कारण बता रहे हैं कि ये सब भगवत इच्छा से ही हुआ है। श्रीमद् चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि जत्र देखे चैतन्य हरि सब चैतन्य ने लीला पुष्टि कर, जितना भी महाप्रभु के और महाप्रभु भक्तगण के जो ठाकुर जी के हरि अर्थात जो शत्रु दिखाई देते हैं वो सब भगवान के वीर रस को आस्वादन करने वाले या भगवान को लीला को पुष्टि करने वाले ही होते हैं। जैसे गुरुदेव उदाहरण दिए तो अगर रावण ने आया तो इस प्रकार का रावण कुंभकर्ण दंतवक्र शिशुपाल और हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष ये असल लोग नहीं आते तो भगवान का इतना इतना सुंदर जो लीला है वो परिप्रकाशित नहीं होता। और यहाँ पे श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के जी लीला का उदाहरण देते हुए बोल रहे थे कि अगर जगाई और माधाई नहीं आते तो भगवान के जो महाप्रभु जो नाम के प्रचार वो विशेष रूप में किस प्रकार में वो प्रकाशित नहीं हो पाता। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि सब चैतन्य लीला पुष्टि करे, वो सब क्या करते हैं महाप्रभु के सारे भी जितने भी लीला ठाकुर जी के सारे भी लीला को पुष्टि करने वाले हैं। फिर दूसरे प्रश्न उठा रहे हैं श्री विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं पूतना जो अपवित्र था और पूतना कौन से रूप में आया था, उसका वास्तविक स्वरूप तो पूरा राक्षसी स्वरूप है, वो तो अपने राक्षसी स्वरूप में आया है।
तो उसने एक सुंदर सी, बहुत सुंदर अप्सरा के रूप में भांति और भी सुंदर, अत्यंत सुंदर रूप धारण करके वो आ गए। तो जो माया का रूप था वो किसके सामने प्रकटित किया, वो पहले ब्रजवासी, ब्रजवासी लोग ने उनको देखा। और जो ब्रजवासी है जो ठाकुर जी के और नित्य परिकर है, तो ठाकुर जी के नित्य परिकर को देखने मात्र से ही समझ जाना चाहिए कि जो ये तो राक्षस है। लेकिन वो लोग वहां पे क्या हुए, उसके स्वरूप को देख के विस्मित हो गए। उसका स्वरूप कैसा था गुरुदेव यहाँ पे बता रहे हैं श्लोक पे, बलगु स्मिता पांग विसर्ग विक्षिप्त मनोहरंति वनितम ब्रजोपसम कि उसका जो हास्य था कितना मधुर मधुर हास्य, उसका जो सीखा पे जो चुड़ा पे बहुत सुंदर गजरा लगाया हुआ है, और उसका जो कमर बहुत अद्भुत सा, और उसका इतना सुंदर सुंदर वहां पे यहाँ इस श्लोक में बता रहे हैं कि उसको कोई देखता है तो एक ब्रजवासी बोलते हैं कि हमारे कृष्ण कौन है, ना साक्षात विष्णु है। अब विष्णु वैकुंठ छोड़ के आ गए, अब लक्ष्मी वहां पे क्या करेंगे, तो ये साक्षात लक्ष्मी है, कोई ऐसा बोलते हैं। तो कोई बोलते हैं ये लक्ष्मी नहीं, कोई स्वर्ग से अवसर ही आ गए हैं कृष्ण को दर्शन करने के लिए, कृष्ण को स्वागत करने के लिए। ऐसे ऐसे भाव में वो ब्रजगोपी लोग वहां पे उनको देख रहे थे। यहाँ पे प्रश्न उठा रहे हैं कि ब्रजगोपी तो ठाकुर जी के नित्य परिकर है, उनमें पूरा का पूरा शक्ति सामर्थ्य है कि वो अविद्या को हटा के वो वास्तविक स्वरूप को देख सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ना, भगवान के ही जो इच्छा शक्ति जो माया देवी ने, क्योंकि ये पहले ही देख लेते तो भगवान का इतना मधुरमय लीला, इतना उद्धार का जो लीला वो हम श्रवण ही नहीं कर पाते, ब्रजवासी देखते ही उसको पहचान लेते, उनमें भी इतना सामर्थ्य है। तो यहाँ पे गुरुदेव बता रहे थे कि जो माया देवी ने वहां पे किया गया तब ब्रजवासी को मोहित करवा दिया कि पूतना को देख के सब मोहित होने लगे। अब जिस जैसे पूतना वहां पे गए कौन, नंद बाबा के महल पे, तो वहां पे ठाकुर जी सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे। तो ठाकुर जी को देखे, इनको देखे जो यशोमती मैया और जो वहां पे रोहिणी माता थे, वो भी देख के मोहित हो गए। ठीक हो, उन्होंने भी देख के कृष्ण को, पूतना को देख मोहित हो गए। और मोहित होते ही क्या हुआ कि वो झट करके आए कि बोले इतने सुंदर लाला, अब यहाँ पे पालकी में इसका क्या काम है। तो झट करके वो क्या गया, पूतना ने ठाकुर जी को गोद में उठा लिया। अब जब ठाकुर जी को गोद में उठा लिया, ठाकुर जी ने आंख बंद कर दी। तो इसका हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया था 5 कारण, और हमारे बल्लभाचार्य ने बताया था 10 कारण। तो चलो बता रहे सुन लियो, विश्वनाथ के चार आप विश्वनाथ चक्र के 5 कारण बताओ। तो एक एक कारण को गुरुदेव बता रहे हैं, मैं भागवत जी में इतना प्रवेश नहीं है, जो गुरुदेव बोलते हैं वही बता रहे हैं। मैं लिल्ली के लिए अपने तरफ से कुछ भी दिमाग नहीं लगा रहा। तो यहाँ पे गुरुदेव बता रहे थे कि कृष्ण का जो सबसे पहला कारण गुरुदेव बताया कि उसको इस उन्होंने क्यों आग बंद कर दिया। तो पहला कारण है कि जो ठाकुर जी कौन से स्वरूप में है, बाल स्वरूप में। अब बाल स्वरूप बालक का एक स्वभाव होता है, किसी अनजान व्यक्ति के पास नहीं जाते। कोई कोई बच्चे तो चले जाते हैं, लेकिन कोई कोई बच्चे दूसरे के गोद में जाते ही रोना शुरू कर देते हैं। अब ठाकुर जी ने देखा, ये उनको तो पहले पूतना को कभी देखा नहीं, में तो नंदवा और उनके नित्य परिकर लोगों को ही देखा। तो ठाकुर जी ने क्या सोचा कि ये कौन नया आ गया, ये कौन है मुझे जो गोद में उठा लिया। ये सोच के ठाकुर जी ने तो साधारण रूप में आंख बंद कर लिया। दूसरे उदाहरण देते हुए बोल रहे हैं कि छोटे बालक का जो बालक स्वरूप में ठाकुर जी है, और बालक का एक स्वभाव होता है साधारण स्वभाव, ये ज्यादा सोचे। मानो की पूतना से आने से पहले ठाकुर जी को दूध पी के ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, और उसी कारण से ठाकुर जी क्या गया ना, आंख बंद कर दिया। तीसरा कारण बोल रहे हैं कि कृष्ण सोच रहे हैं कि ये अभी पूतना ये अभी किस लिए आया है ना, ये अभी ब्रज में जितने भी बच्चे और मुझे लेके जितने भी ब्रज में अभी नवजात शिशु को वध करने के लिए आता है, वध करने के लिए आया है। तो ठाकुर जी सोच रहे हैं जितने भी नवजात शिशु वो सब कौन है, ठाकुर जी की स्वयं सखाई है, क्योंकि ठाकुर जी की उम्र गई है, श्री राम मधुमंगल आदि जितने भी सखा।
तो ये सोच रहे हैं कि ये इतना इसका इतना हिम्मत कि ये क्या करे ना, मैंने जितने भी सखा लोगों को वध करेगा और इसके ये मेरे भक्तों को मारने के लिए आया है, तो मेरे भक्तों को जो मारेगा मैं उसका मुख कैसे देखूं। तो इसी कारण वजह से भी ठाकुर जी ने ये तीसरा कारण बताया था कि ठाकुर जी ने आग बंद कर दिया। और चौथा कारण बता रहे थे कि ठाकुर जी ने आग बंद करने का एक कारण है कि ठाकुर जी किस इस जगत में किस चीज के लिए आते हैं कि परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतम्, कि दुष्टों का विनाश करने के लिए ठाकुर जी आते हैं। और ठाकुर जी क्या करते हैं, जिसको वध करते हैं उसको हजार गतिदायक और उसको क्या होता है मोक्ष का गति प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर ठाकुर जी सोच रहे हैं कि ये पूतना अभी आए है और मेरे सामने कोई भी माया कोई भी अविद्या टिक नहीं सकता, और ये कौन सा रूप धारण करके आया है कि माया भी रूप धारण करके ये अपने स्वरूप को प्रकाशित नहीं कर रहा, राक्षस रूप को प्रकाशित नहीं करके ये अप्सरी के रूप में आया है। अगर मैं अगर आंख खोल दूं दृष्टि मात्र से ये क्या होगा, इसका जो वो असुर स्वरूप प्रकट हो जाएगा, तो इसका जो असुर स्वरूप प्रकट हो जाएगा तो वो लीला को आस्वादन नहीं कर पाएंगे। तो ठाकुर जी इसी कारण वजह से भी आग बंद कर दिए। और पांचवा कारण बता रहे हैं कि ठाकुर जी क्यों आग बंद करे ना, ये मुझे अभी गोद में उठा लिया, हो ना हो ये कुछ समय के लिए गोद में कौन उठाता है, दूध कौन पिलाता है, माँ। तो ये हो ना हो कुछ समय के लिए मुझे वो असल प्रेम देना चाहता है, जिस समय मैं इसका क्या करूंगा, जो स्तन में इसका कालकुट जहर है उसी जहर को पान करके इसका प्राण को शोषण करूंगा, तब ये छटपटेगा, तब इसको बड़े कष्ट होगा और इसके कष्ट को मैं कैसा देख सकूं, क्योंकि ये मैंने मुझे कुछ समय के लिए ही क्या हुआ, ये मुझे वात्सल्य प्रेम देने के लिए आए, जिस प्रेम को देने के लिए जिसको देखने के लिए ब्रह्मा शिव जी तरस जाते हैं, वो मुझे अभी थोड़े देर में अभी वो गोद में उठा लिया। तो वो ठाकुर जी वो सोच रहे हैं कि इसके दुख को मैं कैसे सहन करूं, तो ठाकुर जी इसी कारण वजह से भी आग बंद कर दिए। और छठा छह नंबर का कारण बता रहे हैं कि पूतना के जो स्तन में क्या है ना, कालकूट जहर है। अब ठाकुर जी को जब जैसे पूतना ने गोद में लिया तो सारे विश्व ब्रह्मांड सब घबरा गए, क्योंकि ठाकुर जी के गर्भ में सारे विश्व ब्रह्मांड है, ब्रह्मा शंकर सब घबरा गए, अगर ये जहर पान कर लेते सब विध्वस्त हो जाता, जगत का विनाश हो जाता। तो यहाँ पे ब्रह्मा शिव जी सब थरहर होने लगे कि प्रभु आप अभी जहर पान करने लगे हुए। तो वहां पे ठाकुर जी ने मानो आग बंद करके शिव जी को स्मरण किया, और शिव जी कौन है ना, ये जहर पान करके पहले नीलकंठ बन चुके हैं, तो शिव जी को इन्होंने बुलाया कि प्रभु आप आ जाओ। शिव जी बोले क्यों, बोले आपका काम है जहर पीना और मेरा काम है दूध पीना। तो शिव जी वहां पे प्रकट हो गए और शिव जी के आगे वही जहर जहर को पान के लिए और ठाकुर जी बोले दूध पान के, इसी वजह से ही इस ये एक कारण बता रहे हैं। और दूसरा कारण बता रहे हैं कि सोच रहे हैं कि पूतना का ऐसा कौन सा जो पुण्य है कि ये मुझे गोद में उठा लिया और मुझे स्तनपान कराएगा और मुझे थोड़ा सा ही थोड़ा बहुत ही वात्सल्य प्रेम प्रदान करेगा। तो मानो ठाकुर जी आग बंद करके इसके पूर्व जन्म को थोड़ा झांक के देख रहे हैं। गुरुदेव बता रहे थे कि पूर्व जन्म में जो बलि महाराज जी का बेटी पुत्री रत्नावाला रत्नावाला था, बताया कि किस प्रकार से ठाकुर जी ने आंख बंद करके शिव जी का स्मरण किया है ताकि शिव जी जो है वो विष का पान करेंगे और भगवान विष का पान करेंगे। इसके बाद बताया पूतना ने पूर्व में क्या तप किया है, भगवान मानो आंख बंद करके सोच रहे हैं कि जन्मों जन्मों तक जब कोई मेरा भजन करता है तो अंत काल में मेरा दर्शन होता है, नाम होता है, जन्म जन्म उन्होंने जो तप कराए अंत राम से।
तो ये पुतना ने ऐसे क्या पूर्व जन्म में क्या किया है जिसने भगवान का नाम आग बंद करके सोच रहे हैं। और जब पूर्व जन्म में पुतना कौन थी? बलि की, महाराज बलि की ये पुत्री रत्नमाला थी। जब आदम जी भगवान को देखा तो देख करके मोहित हो गई, सोचा कि अगर मेरा ऐसा पुत्र होता तो खूब प्रेम करती, गोद में बिठाती, लूट पाट कराती। लेकिन जब वही बालक त्रिविक्रम रूप लेकर के दो पग भूमि में पूरा जब बलि का राजा सब कुछ ले लिया तो बोले कि अगर ऐसा बालक मेरा होता जो मेरे पिता का ऐसा करता तो उस बालक को तुम्हें प्रेम क्या दूर क्या कराती, उसको तो मैं काल को जहर मिला। भगवान जो है वो सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं, इसलिए भगवान ने दोनों ही इच्छा पूर्ण करी है। और यहाँ पर जो वही रत्न बाला है वो उसका भक्त करके आई है और जो है प्रदान कर रहे हैं। अब फिर इसके बाद ये हुआ कि जब आगे की चर्चा था इस प्रकार बताई गुरुदेव ने पिछली बार कि जब पूतना भगवान को जब दूध पान करवा रही है स्तनपान, भगवान ने बड़े जोर के पकड़ लिया है पूतना को, बहुत जोर से पकड़ लिया है। पूतना जो है वो डर के मारे उसको पीड़ा हो रही है, वो मुंच मुंच कह रही है मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो, क्यों छोड़ दो चिल्ला रही है। अभी भगवान जो है उसको बड़े क्रोधित है, क्यों? क्योंकि पूतना क्या करने आई है, पूतना जो है वो व्रत के जितने भी बालक बालिका है सबको मारने आई है। और ये जो ब्रज में जितने बालक बालिका हैं जिन्होंने अभी जन्म लिया है ये साधारण तो नहीं, सब भगवान के परिकर है, तो भगवान का सखा है सखी है, उनको मारेंगे तो भगवान जो है अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान पूतना पे बहुत प्रेम, इसलिए उतना जोर से पकड़ लिया है। और पूतना जो है वो छोड़ो छोड़ो कह रही बहुत पी लिया छोड़ो, लेकिन भगवान जो है वो पूतना को नहीं छोड़ते। भगवान कह रहे हैं कि पहले तो मैं जल्दी से किसी को पकड़ता हूँ, एक बार किसी को पकड़ लिया तो फिर जल्दी से फिर मैं छोड़ता ही नहीं, छोड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए पूतना जो है वो बहुत तड़प रही है, बहुत परेशान हो रही है, लेकिन भगवान मानो कह रहे हैं कि जब तक मैं तुम्हें अपने धाम में नहीं पहुंचा दूंगा जब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो बताते हैं पूतना जो है कोई बताते हैं 1 मील लंबी, कोई 4 मील, 6 मील तक पूतना इतनी बड़ी पूतना थी, बहुत बड़ा विशाल उसने रूप लिया था। अभी भगवान सोच रहे हैं कि वो आकाश मार्ग से चल पड़े, जैसे भगवान ने उसका दूध पीना चालू किया पुतना का, जैसे उसका प्राण का शोषण करना चालू किया पुतना अपने जो जो कपट वेश था उसमें रह नहीं पाई, वो भयंकर रूप उसने लेकर के आकाश मार्ग में उड़ गई है। और जिसको देख करके सारी जो माताएं हैं ब्रज की, यशोदा माता जी की दास दासी है रोहिणी में सब घबरा भी देख रहे कि ये लाला को क्या हो गया, ये कौन आ गया है। और वो आकाश मार्ग से चल पड़ी, जिसको देख करके पीछे पीछे दौड़ रहे सारे ब्रजवासी कृष्ण कृष्ण बोलते हुए। और वो जो पुतना है भगवान को लेकर के उड़ रही है, भगवान सोच रहे हैं कि इस पुतना को कहाँ गिराए, अगर ब्रज में गिरा दिया तो यहाँ तो मेरी गैयाएं चलती हैं, यहाँ जो ब्रजवासी की गाय चलती है जिससे ब्रजवासी का दूध जैसे गाय का दूध से उनका व्यापार उनकी सारी गृहस्थी सब, अगर यहाँ गिरा दिया तो इसका सारा का सारा व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी, तो इस पुतना को कहाँ गिराया जाए, बहुत बड़ा शरीर था पुतना। तो यहाँ पर बताया कि पुतना को ले जा करके जहाँ कंस का एक बहुत बड़ा बलिजा था, इसमें कंस जो था किसी को घुसने की इजाजत नहीं थी, उसमें जो भी फल फूल होते थे वो सब कंस की सेवा में लगते थे, वहां भगवान ने क्या करा जाकर पुतना को धड़ाम से गिरा दिया। वो पुतना इतनी बड़ी पुतना थी कि वहां जितने पेड़ थे सब के सब टूट गए। और ठाकुर जी गोस्वामी जी एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो वस्तु ठाकुर जी की सेवा में नहीं लगती वो पुतना वो फिर क्या हो जाती, फिर पुतना वहां आ जाती है और कैसे गिर करके सब कुछ नष्ट कर देती है। इसलिए जो भी चीज जो भी वस्तु होती है वो किसकी सेवा में लगनी चाहिए, वो ठाकुर जी की सेवा में लगनी चाहिए। फिर यहाँ पे प्रश्न ये उठाया कि ये पूतना इतनी सुंदर बन करके क्यों आई, इतनी सुंदर बन के आने की क्या आवश्यकता थी, वो सीधे भी तो आ सकती थी या और कोई वेश भी ले सकती थी या साधारण गोपी का वेश लेकर के भी आ सकती थी। यहाँ पर बताया गुरु जी ने उन्हें बताया था कि पूतना इतनी सुंदर बन करके इसलिए आई है ताकि सब लोग उसके रूप में मोहित हो जाए, वरना 6 दिन के बालक को किसी अनजान व्यक्ति के हाथ में कोई नहीं देता, इतने छोटे बालक को कोई भी नहीं देता। प्रभुपाद एक जैसे थे और भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज वो जो प्रचार अच्छे से दे रहे थे, इसलिए वो भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जब जाते थे प्रचार के लिए अच्छे तरह से पगड़ी बांध देते थे, एक कोट बूट पहन करके एक टाई और बूट इसलिए साइड में बैग लगा करके और एक एक गाड़ी किराए में ले लेते थे। उस समय कार में चढ़ना कोई साधारण बात नहीं, वो रहीसी व्यक्ति कार में चढ़ते थे
साधारण व्यक्ति कार घर में नहीं बैठ बड़े पैसा वाले, वो कार का एक एक किराए में ले लेते। और वो पहले तो रेलवे ऑफिसर थे, उनको सब पता लोगों से किसी बात करने ऐसे आते थे ना, जब चलते थे साधारण व्यक्ति जैसे उनको चाल चलन नहीं था, इसलिए जो गेट जैसे अंदर में प्रवेश कर गेट कीपर को पूछना पड़ेगा ना, नहीं इनके चाल देख गेट कीपर की हिम्मत नहीं होता था कुछ पूछे, वो सीधा जा करके जो मालिक होता था कोई ऑफिस में बड़े जो मालिक होता था सीधा मालिक के पास में जाकर बैठ जाएंगे और सीधा उनको साथ में बात करते थे ऐसे ठाड़ बाट से। इसलिए पुतना भी देखा जैसे ऐसे ठाड़ बाट में चलो, जैसे गेट कीपर हमें रोके ही नहीं है, जैसे गेट कीपर आसानी से हमें छोड़ दे। इसलिए नंदोबा जब वापस आए ना ऐसे ऐसे बात बोल रहे थे, कैसे गेट कीपर को छोड़ दिया कैसे उसको, सुंदर थी ना नहीं होगा लास्ट नहीं लास्ट और भी बहुत बात नहीं इसके बाद तो हाँ प्रभुपादी कल कहती है कुछ नहीं इसके बाद लिखा है प्रभुपादी इसके बाद में क्या नहीं। और कुछ होगा ना नहीं बताएगा हाँ कुछ तो होगा मुझे लगता है यही था। हाँ जैसे क्यों सोचने लगे कि मैं तो इस बालक की माँ बनने लायक यही स्त्री ठीक है ठीक है और ब्रह्मानंदे ओम ज्ञान तमीराम दस ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलंबितभुजौ कनकावदाधौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री लो नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे कृष्णा पुतना को लेकर के उनको जोग माया लेकर के कंस का जो बगीचा थी बगीचा में ही गिराया और गिरा करके उन्होंने पूरा पेड़ पौधा जितना था सबके सब उन्होंने खत्म कर दिया। जब गिरे इतने में मैया जसोदा तो देख करके बेहोश हो गई, बोली ये क्या हुआ, और जितने सब ब्रजवासी सबके सब इकट्ठे हो गए और सब के सब पीछे पीछे भागने लगे उसको पीछे पीछे। भागते भागते जब थोड़ी दूर गए देखा पुतना वहाँ पर गिरी पड़ी हुई। तब यहाँ पर कथाकार अलग अलग से बात करते हैं वो गिरी तो गिरी गई से लगता है कहीं ठोकर लग गया होगा उसको, इसलिए यहाँ पर कहीं गिरी अलग अलग बात करते हैं, लेकिन उसका जो असली अर्थ है जो माया ने लेकर के, क्योंकि भगवान की सेवा में जो चीज नहीं लगेगी भगवान कहते उसको एक दिन में उसका सत्यानाश कर देता हूँ। इसलिए नियम है हर चीज अगर ठाकुर की सेवा में लगे तो वो वस्तु की सार्थकता है। इतने में सारे ब्रजवासी वहाँ भागते भागते दौड़े तो पुतना की रूप को यहाँ वर्णना करते हैं, बोले उसका दांत कैसे, बोले लांगड़ जैसे, लांगड़ से खेती करते हैं उसमें जो एक लोहे लगाते हैं ना जैसे कहते उनकी, और उसका नासिका की रंध्र कैसे, कहते जैसे पर्वत का जैसे गुफा होता है
गुफा जैसे, उसकी स्तन कैसे हैं, कद श्री पर्वत का शिखर जैसे है, कद उसका कैसे कैसे है, बोले तो ताम्र वर्ण। अभी देखना सब बच्चे लोग ऐसे ही कैसे को बनाते हैं, तांबे का अलग अलग सा हाँ रंग शास्त्र में आया है। जिस समय प्रहलाद को वर्ण जो राक्षस लोग मारने के लिए उनको ये कर रहे थे ना, वो कैसे सब वर्ण आता है, उनका केस कैसे था। इसलिए अभी जो यंग बच्चे जैसे केस को खड़ी खड़ी और अलग अलग रंग लगाते कहती सब राक्षस का है, कहती सब राक्षस लोग इसको केस कैसे करते हैं खड़े हुए जैसे हैं। और कहते उसकी आंखें कैसे हैं, कहते अंधे कुएं जैसे हैं, कहते उसका जो भुज हाथ और उसको जो पाद जुगल कैसे हैं, कहते जैसे सेतु होता है जैसे बांध बांधते हैं सेतु जैसे। कहते उनकी नाभि कैसे हैं, बोले जल शून्य जैसे हृदय है, जल शून्य हृदय जैसे। इसलिए जिस समय पुतना कृष्ण को लेकर गई और जब छटपटा रही थी, कहते उसको सुन करके जितने ब्रजवासी लोग थे उसको सुन करके सबके सब उनका हृदय कांप उठा, इतने भयंकर उनकी गर्जना थी। अभी कृष्ण अभी उनके छाती के ऊपर में कृष्ण किलकारी मारते हुए कृष्ण खेल रहे थे। इतने ब्रजवासी आए, कहीं कहीं तो बताते हैं इतने बड़ी थी त्रिगव्यू थी, हैं कहते 18 मील कहीं 12 मील कहते हैं, वो इतने बड़ी थी, बोले उसको पर चढ़ेंगे कैसे, बोले सीढ़ी ले आए, सीढ़ी ला करके सीढ़ी को लगा करके जब उसको पर चढ़ रहे थे कृष्ण को उतारने के लिए, वो डर रहे थे अगर ये बीच में जग जाएगी ना तो खा जाएगी सीधा का, हैं ये सबके सब डर रहे थे। कृष्ण को किसी तरह से वहाँ से उतार करके कृष्ण को ग्रहण किया। उसको बाद में क्या किया, बोले गो मूत्रे नस्ना पयित्वा पुनर्गो रजमार भकम चक्षु चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नाम। अभी देखो हम लोग जो ये तिलक लगाते हैं ना, ये तिलक की महिमा यहाँ पर बता रही है। जब कृष्ण को लाए मैया जसोदा किया कि गो मूत्रे नस्ना पयित्वा, गया की जो मूत्र को गोबर से कृष्ण को स्नान करें, कहती है पवित्र वस्तु है गोमूत्र और गोबर, ये पवित्र वस्तु, उसमें स्नान कराने से सारे भूत पिशाच सबके सब खत्म हो जाते चले जाते हैं। स्नान पर करके पर पुनर्गो रजम आरभकम, फिर जो गैया की जो चरण का जो धूल से है जो मिट्टी है वो भी पवित्र है, गैया की चरण की जो फूल से वो मिट्टी भी पवित्र में मिट्टी है। फिर उसको लेकर के कृष्ण को जो द्वादश अंग में कृष्ण को उनका तिलक लगाए, जब तक द्वादश अंगेषु नामा भी, जब उनको 12 अंग में तिलक लगा रहे थे ना, कृष्ण सोच रहे थे, देखो मन मन में हंस रहे थे, बोले देखो मेरे नाम की कितने महिमा है, जो मैया मेरे नाम से मेरे को तिलक लगा दे, कहते ना ललाट के सवाय नम उधर नारायण नम, सो तिलक लगाते कि नहीं, सब याद है कि नहीं, बख्यस्थले माधवाय नम कंठे गोविंदाय नम दक्षिण पार से विष्णुवाय मधुसूदन त्रिविक्रम वामनाय श्रीधर ऋषिकेश कृष्ण पद्मनाभ दामोदर वासुदेव, सब पंडित बैठे सब। इसलिए जब 12 अंग में जब तिलक लगा रही थी, इतने में कृष्ण मन मन में हंस रहे थे, देखो मेरे जो नाम में इतने शक्ति है, मैया मेरे नाम को पढ़वा कर मेरे को रक्षा मंत्र से मेरे को रक्षा कर रहे, मतलब मेरे जो नाम है मेरे से बड़े हैं और मेरे नाम मेरे को जैसे रक्षा कर रहे हैं। इसलिए कहते राम ना सकई नाम गुण गाई, कहते भगवान राम भी अपना नाम की महिमा को गा नहीं सकते हैं, नाम में इतने शक्ति ठाकुर जी को। हम लोग तो ललाट केशवाय नम उदर नारायण, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं बोले इंद्रियाणी हृषिकेश प्राणान नारायण, कहते बतु श्वेत दीप प्रतिष्ठितम मन्ने जोगेश्वर। अब यहाँ पर उन्होंने अलग अलग कृष्ण का नाम से उन्होंने अलग अलग जगह पर वो तिलक लगा रही थी मैया जसोदा। इसलिए अब यहाँ पर प्रश्न करते हैं, कृष्ण ये 6 दिन में उन्होंने पुतना को क्यों मार, इसका क्या रहस्य है। यहाँ पर एक अच्छी बात है विश्वनाथ अच्छी बात बताते, कहते कारण कह रहे हैं, कहते पहले ये नियम होता था जब बच्चा जन्म लेता था, अब लोग बड़े बड़े लोग पता होगा आप लोगों को,
जो सुतिका गृह होता था, सुतिका गृह जिसमें बच्चे को जन्म देते हैं, हमारे इंतुड़ी साल कहते हैं, इसको अंदर में कभी कभी किसी किसी परिवार में तो 21 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलते, उसको कोई नहीं छूते थे। 21 दिन है ना, हाँ क्या, हाँ सुतो कहते ना 21 दिन तक, हाँ अंदर में कंडा लगा करके उसमें सिकाई करते थे बच्चों को, और उसका जो राख है ना उसको भी बाहर नहीं निकालते थे, अंदर में रखते थे, हाँ 21 दिन तक उसको रखते थे। उसको बाद में जो सुतिका कहते हैं, सुतिका गृह में, उसको बाद में फिर बच्चों को स्नान करा के, फिर उसके बाद पवित्र होकर के, माँ भी पवित्र होकर के फिर इसको स्पर्श करती थी, अब उसके अंदर में सब नहीं घुस सकते थे, केवल माताएं, बड़ी बड़ी जो माताएं होती थी अंदर में प्रवेश करती थी। कृष्ण जब गोकुल में जन्म हुई, उतनी सुंदर जो देखा एक बार है ना, पूरा हल्ला मचा दिया, भैया देखने में तो कारो कारो है लेकिन दुनिया को उजार करने वालों है, इसलिए जो एक बार देखा ना कृष्ण को एकदम पागल हो गए, सब जगह में प्रचार हो गया, कितना सुंदर मैया ने, कितने सुंदर लाला को उन्होंने जन्म दिया है, सारा दुनिया में हल्ला हो गया। अभी सारे ब्रजवासी, ब्रजवासी तो साधारण है नहीं, ये सब के सब कृष्ण परिकर है, ठाकुर की भक्त है, अभी ये लोगों की मन में तरस है, भैया हम भी एक बार कृष्ण को तो दर्शन करें, लाला को दर्शन करें, लेकिन अंदर में सभी प्रवेश कर ही नहीं सकते। अभी कृष्ण तो भक्त वत्सल है, अभी सोच रहे हैं मेरे को भक्त लोग दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन दर्शन कैसे कराओ कैसे, अभी तो मेरे को चलना भी नहीं आता, घुटने पर भी चल नहीं पाता हूँ, अभी करूँ कैसे, ऐसे क्या किया जाए। फिर उनने पुतना मासी को बुला लिया, हैं पुतना को बुला लिया तो स्त्री जाती है ना, और सीधा पुतना अंदर में गई, अंदर में जा करके बोले मैया जसोदा कितने सुंदर लाला को थोड़ी पलने में झुलाते हैं, उसको थोड़ी उसको हाँ झूला, उसको तो गोद में लेकर के प्यार करनी चाहिए, बस उठाए और पूरा सीधा उन्होंने बाहर निकाल कर ले गई, हैं जब बाहर निकाल कर ले गई पूरा के पूरा हल्ला हो गया। जब हल्ला हो गया ना, इतने में सारे ब्रजवासी लोग वहाँ पर सब के सब वहाँ पर एकत्रित हो गए, एकत्रित हो गए वहाँ से, तो एकत्रित हुए हैं। फिर और क्या हुआ, जिस समय इतना बड़ा शरीर था, जिस समय श्री नंद बाबा जिस समय आए गए थे कहाँ पर, मथुरा में कर देने के लिए आए, और वसुदेव ने क्या बताया था, बोले देखो नंद ज़्यादा समय यहाँ रुकना नहीं, हो सकता है ब्रज में कुछ अनहोनी हो सकता है, वो तो नारायण को स्मरण करते करते आ रहे थे, बोले ठाकुर जी आप ही ये लाला को दिए हो, ये लाला को आप ही रखा करना है, स्मरण करते करते आ रहे थे। हठात उसने पुतना को देखा, इतने भयंकर रूप, इतना बड़ा शरीर, उदाहरण देते हैं जैसे कोई पहाड़ हो ना, जैसे पहाड़ का जैसे इंद्र कभी कभी पंख काट देता था, हैं क्योंकि जो पहाड़ है पहले उड़ते थे, पहाड़ पहले पहले उड़ते थे, और उड़ते उड़ते अगर इतना बड़ा पहाड़ कहीं उड़ेगा और एक जगह से दूसरा जगह जाए ना, शहर को शहर खत्म कर देते हैं, शहर को शहर खत्म कर देते, इसलिए इंद्र ने क्या किया कि सारे पंखों को उन्होंने काट दिए, सारे पंख काट दिए, बोले पूरा नगर शहर खत्म कर रहे हैं, इसलिए ऐसे लग रहा था जैसे विशाल जैसे पहाड़ का किसी ने पंखों को काट करके उन्होंने गिरा दिया किसी ने, इतना बड़ा शरीर था। नंद बाबा सोच रहे हैं ये क्या है, फिर सोच रहे हैं भैया मैं तो कोई भूल से, मेरे को कोई दैवी माया से, मैं कहीं भूल से तो किसी जगह पर नहीं आ गया, क्योंकि वहां पर था नहीं कुछ है ना, और इतना बड़ा पुतना का शरीर, कितना 6 मील अगर दूर हो, अगर से 12 मील अगर इतना बड़ी हो कोई चीज अगर आ जाए देखने में 12 मील है, नहीं तो कोई 8 मील बताए, उनको लगता है भूल से तो कभी कहीं चले नहीं आ जा आ गया। इसलिए जब वहाँ पर नंद बाबा आए और उन्हें नंद बाबा ने जो चीज को देखा, देख करके फिर उन्हें सारे बात को उन्हें सुना, क्या क्या घटना हुई नहीं हुई, जब उन्हें सब बात को सुने बोले मैं नहीं था ना, इसलिए ये अनहोनी हो गया, लगता है जो चौकीदार लोगों ने ठीक से चेक नहीं कर दिया, चेकिंग बगैर अंदर में छोड़ दिया है, अगर मैं रहता तो ये काम कभी होता ही नहीं। इसलिए नंद बाबा ने बोले इतना बड़ा शरीर को भैया क्या किया जाए, कहते अगर कोई ऐसा शरीर हो अगर उसको जला दिया जाए ना, जला देने से क्या होता है, वो सब के सब जितना खराब गुण है वो सब खत्म हो जाते हैं, अगर किसी को जला दो पूरा नाश हो जाता है, इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति है मरने के बाद उसको क्या कराते हैं, उसको जला देते हैं, जला देने पर सबके सब नष्ट हो जाती है, बोले इतना बड़ा शरीर को जला दो,
बोले भैया इतना बड़ा शरीर को जो जलाएंगे उसके लिए तो कोई लकड़ी भी तो चाहिए ना। अगर कोई 12 मील हो आप समझ सकते हो 12 मील कितना दूर पड़ता है, 18 किलोमीटर करीब। इसलिए इतना बड़ा शरीर को अगर जलाओगे उतना लकड़ी तो चाहिए ना। जो साधारण लोगों को जलाने के लिए जाओ कितने लकड़ी की जरूरत होता है, और इतना बड़ा शरीर को जलाओगे तो लकड़ी चाहिए, इतना लकड़ी लाएंगे कहाँ से। बोले पहले से ही जोग में व्यवस्था कर दिया। बोले क्या किया, जो पुतना ने गिरी वो बगीचा में जितने पेड़ पौधा था सबके साथ टूट गया था, सब टूट गया था। बोले उसमें आग लगा दो, और उसमें आग लगा दो जल करके राख हो जाएगी। जो उसने आग लगाया ना उसमें क्या हो रहा था, उसमें आग लगाते समय उसमें बड़ी सुंदर सुगंधी आ रही थी। कहते दहन उपसंहार, कहते दह मानस देहस्य धूमश्चा गुरु सौरव। कहते उसके शरीर से धुआं नहीं, यहाँ पर कहते हैं जैसे धूमश्च अगुर सौरव कर्पूर अगुर, बड़ी सुंदर सुंदर खुशबू निकल रहा था। बोले खुशबू क्यों निकल रहा था, बोले कृष्ण निर्भुक्त सत्याहत पापनाम। इसलिए भगवान जिनके स्तन को पान किए ठाकुर जी का मुंह लग गया, लगने से जो अपवित्र शरीर क्या हो गया, पवित्र हो गया। पवित्र हो गया तो उससे सुंदर सुंदर अगुर कर्पूर चंदन की खुशबू आ रही थी। जब खुशबू आ रही थी ना लोग बोल सोच रहे थे भैया इतने सुंदर कोई क्या स्वर्ग से आ रहे हैं, ना इंद्रपुरी से आ रहे हैं, सब के सब का नभ मंडल से आ रहे हैं, कहाँ से इतने सुंदर खुशबू कहाँ से आ रहे हैं, हैं? इतने में जितने लोग वहां पर थे ना सबके सब इकट्ठे हो गए। बोले ये खुशबू आ रही कहाँ से, जब सारे के सारे लोग इकट्ठे हो गए किसको दर्शन किया, कृष्ण को दर्शन किया, कृष्ण दर्शन किया। इसलिए यहाँ विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं 6 दिन में उन्होंने क्यों मारे, किसलिए मारे, अपना ब्रजवासी को 6 दिन में ब्रजवासी जो तरस रहे थे कृष्ण दर्शन करने के लिए। कृष्ण बोले ऐसे काम करूंगा ना सारे ब्रज इकट्ठे हो जाएंगे और मेरे को दर्शन कर लेंगे मेरे भक्त लोग, उनके अंदर में जो उत्कंठा ये उत्कंठा उनकी पूरी हो जाएगी। और जितने ब्रजवासियों ने कृष्ण दर्शन करते हुए है उत्कंठ उनको जो उत्कंठा थी दर्शन करते हुए सबके सब तृप्त हो गए। जब तृप्त हो गए इतने में मैया जसोदा ने कान्हा को स्तनपान कराया। इतने में कृष्ण ने जब स्तनपान करके थोड़ी सी मीठी मीठी हंसे ब्रजवासियों को पता चला लाला ठीक ठाक है, क्योंकि बच्चा ठीक पता कहीं चलेगा, अगर ठीक से दूध पी ले और थोड़ा खिलखिला कर हंस ले ना माता को क्या पता चलता है बेटा का कुछ नहीं हो, बेटा भी ठीक ठाक है। इसलिए कृष्ण की मुस्कुराहट स्तन ठीक से पा लिए पी लिए, बोले लाला का कछु नहीं भयो है, लाला भी सब लाला ठीक ठाक है। तब यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कृष्ण की दयालुता को यहाँ पर बता रहे हैं। ये श्लोक बड़ा अच्छा श्लोक है, श्लोक याद है ना, हाँ। कहते पुतना लोक वाला अग्नि बोलो राक्षसी रुधिरासना जिज्ञासया विहरे स्तनम दत्वा अपसद्गति। कहते ये श्लोक में कह रहे हैं भैया भजन करना तो करो, कृष्ण भजन करो और किसका भजन मत क्या करो, किसका और भजन नहीं करनी चाहिए, किसी भक्ति करनी चाहिए केवल कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर कृष्ण कितने दयालु हुए, कृष्ण की दयालुता को ये श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णना करते हैं। कहते क्या दयालुता है, कहते पुतना लोक वाला अग्नि, यहाँ पर कह रहे हैं पुतना कौन थी, कहते ये करती थी कि कहते बालक, कहते पुतना बालक हाथीनी है, इसलिए बच्चों का ये खून पान करने वाली थी, इसलिए खून पान करने वाली थी। कहते जिज्ञासया पी करती थी बच्चों को मारती थी, दूसरा क्या अपगुण था राक्षसी, उसके बाद में पुतना जो अपूत मतलब पवित्र ना मतलब नहीं जो अपवित्र, फिर जाति में कहती ये राक्षसी जाति में थी, फिर क्या की थी ठाकुर के लिए क्या लेकर के आई थी स्तन में कालकूट जहर लेकर के आई थी हैं। तब इसको से विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं, इसको व्याख्या करते हुए कह रहे हैं पहला नंबर है कत जिज्ञासया अपि, वो किस लिए आई थी कृष्ण को मारने के लिए। अगर कोई कृष्ण को मारने के लिए आई थी लेकिन ठाकुर जी कहाँ पर स्थान दे दिया
गोलोक वृंदावन में ठाकुर जी स्थान दे दिए हैं। अगर कोई मारने वाले व्यक्ति को अगर ठाकुर अगर उसको गोलोक वृंदावन में स्थान दे देते हैं है? ताप का जिन भगवान के लिए लेकर के क्या आई थी 20 लेकर के आई थी। अगर जो 20 लाने वाले व्यक्ति को अगर ठाकुर इतने बड़े गति देते हैं, यहाँ पर कहते हैं अगर कोई ठाकुर का कोई प्रिय वस्तु लेकर के आए, जैसे मान ठाकुर जी के लिए आए तो कोई फल लेकर के ठाकुर जी के लिए आए, नहीं तो उनके लिए थोड़ा खीर बना करके लाए, उनके लिए थोड़ा पराठा भी बना करके लाए, जैसे बड़ौदा के लोग बना कर लाते हैं कभी कभी चाउमीन का, बड़ौदा के लोग तो बहुत सारी चीज बना कर कोई राजमा बना करके लाते हैं, कोई इडली, कोई सांभर है। इसलिए ठाकुर जी यहाँ जाना नहीं चाह रहे। ठाकुर जी कहते ब्रदम हमारे बड़ौदावासी तो हमको बढ़िया बढ़िया प्रसाद बना बना कर खिलाते हैं। इसलिए यहाँ पर विश्वनाथ जी ठाकुर कह रहे हैं, यहाँ पर विश्वनाथ जी ठाकुर जी कह रहे हैं अगर उनका कोई प्रिय वस्तु अगर कोई लेकर के आए है, अगर उसी से कोई प्रियतर एक प्रिय भगवान का, फिर प्रिय से भी और प्रियतर वस्तु अगर ठाकुर जी के लिए कोई वस्तु बना करके लाए, फिर उससे अति प्रियतर वस्तु, प्रिय प्रियतर और प्रियतम, सबसे अगर कोई प्रियतम वस्तु उनके लिए अगर कोई लेकर के आए तो हैं, पर ठाकुर जी बताओ क्या नहीं देंगे। जिसको 20 लेकर के आए तो इतना बड़ा पद दे दिया, अगर उनके लिए बढ़िया चीजें बना करके लाओ तो ठाकुर तुम्हें क्या नहीं देंगे। फिर यहाँ पर कह रहे हैं फिर वो जात में क्या थी, बल जात में थी पुतना प्रसिद्ध राक्षसी है, प्रसिद्ध राक्षसी है। अगर ठाकुर जी अगर ऐसे प्रसिद्ध राक्षसी पुतना जात में जो थी अपवित्र जो थी, अगर ठाकुर जी इसको अगर उच्च गति दे देते दे सकते हैं, कभी यहाँ पर अगर कोई उनका भक्त हो तो फिर ठाकुर उसको क्या नहीं दे सकते हैं। कहता उसी से भी अपेक्षा अगर कोई भक्त ठाकुर का एक तो भक्त होता है और एक भक्त होता है एकदम अत्यधिक प्रिय ठाकुर का प्रति, जैसे एक होता है भक्ति दो तरह का, एक वैद्य भक्ति और एक राग भक्ति है। वैद्य भक्ति किसको कहते हैं, जो हमें जोर जबरदस्ती है मन को, जैसे हम ठाकुर का नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं, जोर जबरदस्ती। लेकिन अगर जिसका मन अपनी आप ठाकुर का चरण में लग जाता है, तो कोई अनुरक्त भक्त हो तो अगर उसी से भी अनुरक्त भक्त है राग भक्ति, लेकिन उसी से भी राग भक्ति मतलब क्या, अगर कोई बात्सल उनका सख्य भक्त हो ठाकुर के साथ में जो मित्र था, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रिय भक्त अगर कोई बात्सल्य रस का भक्त हो तो है, फिर ठाकुर जी उसके लिए क्या नहीं देंगे। इसलिए ठाकुर जी उसको क्या नहीं देंगे, इसलिए कत हरय, यहाँ पर एक शब्द आया उतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुद्रासना जिज्ञासाय अभी हरय स्तनम दत्ता अब सतगति। कहते जो हरि है, यहाँ पर हरय शब्द कहते हैं भगवान अवतार मात्र मात्र से ही, लेकिन सबसे भगवान के बहुत सारे अवतार मत्स्य कुरुमा बराह नृसिंह, लेकिन यहाँ पर कहते हैं अगर कोई कृष्ण के लिए करे तो कृष्ण कौन है, ये भगवान की सर्वश्रेष्ठ जो मूल कहते ना अत्याचार से कलाप से कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अगर कृष्ण के प्रति अगर कोई है अवतारी उसको प्रति अगर कोई प्रेम करे तो ठाकुर जी क्या नहीं दे सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अवतार अभिजनी श्रद्धा हाँ जिज्ञासयापी, कहते वो किस लिए आई थी, ठाकुर को मारने के लिए आई थी, ठाकुर को मारने के लिए आई थी। इसलिए ठाकुर जी उसको कहाँ स्थान दे दिया, गोलोक वृंदावन। तब कहते हैं मारने वाले व्यक्ति को अगर उच्च पोस्ट दे सकते हैं, अगर कोई ठाकुर को मंदिर में आए उदासीन होकर के, कोई भक्ति भक्ति हृदय में नहीं है, केवल उदासीन रूप में कोई ठाकुर जी का मंदिर में आए, पर ठाकुर उसको क्या नहीं दे सकते। जो मारने के लिए आई थी अगर इतने उच्च पद, अगर कोई साधारण भाव से मंदिर में आए ठाकुर का दर्शन किया तो ठाकुर उसको क्या नहीं सकते। कहते उससे अगर कोई थोड़ी सी मंदिर में तो आए लेकिन थोड़ी सी श्रद्धा को लेकर के आए, उदासीन से श्रेष्ठ कौन है, श्रद्धा, चलो ठाकुर को दर्शन करके आएंगे, मंदिर में कथा हो रही है मंदिर की कथा सुन कर आएंगे। अगर कोई श्रद्धा पूर्वक आए पर ठाकुर उसको क्या नहीं देंगे। कहते अगर उससे भी अत्यधिक श्रद्धा भक्ति प्रीति पूर्वक अगर कोई हाँ भगवान को पास में आए, फिर उसकी उसकी बात क्या है, हाँ उसकी क्या बात है, हाँ उसकी क्या बात है।
इसलिए यहाँ पर प्रसंग के अनुरूप कह रहे हैं कौमुति की न्याय। कौमुति समझते हो क्या? कौमुति क्या होता है? कौमुदी फल, फूल। हाँ, इसलिए कहते हैं, इसलिए कहते हैं कौमुति की। कौमुति की मतलब होता है कौमुति की, नहीं कौमुति की। कौमुति की मतलब होता है, कहते हैं इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मनि। ये सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ऐसे जो पुतना राक्षसी बच्चों को मारने वाली हैं, जहर लेकर के ठाकुर जी के लिए आई थी, अगर ऐसे व्यक्ति को अगर ठाकुर जी इतने उच्च पद दे सकते हैं, अगर कोई किम पुनः श्रद्धया भक्त्या, अगर कोई श्रद्धा भक्ति पूर्वक अगर कोई आए, फिर ठाकुर उसको क्या नहीं देंगे, ठाकुर जी उसको क्या नहीं देंगे ठाकुर जी। इसलिए हम सोच भी नहीं सकते हैं ठाकुर जी उसको क्या देने वाले। इसलिए उसको बाद में कहते हैं बोले जातु धाना पी जा स्वर्ग मबाप तजननी गति कृष्णा भुक्त स्तनम खीरा केम गाव अनुमातर। कहते अगर पुतना को अगर ठाकुर जी इतना श्रेष्ठ पद दे सकते हैं, तो यहाँ पर भगवान को प्रश्न कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, ठाकुर जी आप ये बताओ फिर ब्रज में जो माताएं और जो गाभी थी, फिर आप उनको क्या दोगे? क्योंकि जिस समय ब्रह्मा जी बछड़े सखाव को चोरी की, उस समय क्या हुआ? उस समय में कृष्ण स्वयं बछड़े और कृष्णा बच्चे बन गए थे, कृष्णा ही बछड़े बन गए थे। अब देखा बछड़े को, यहाँ पर बछड़े को दूध पीते हुए देखे हो? कौन कौन देखा हो दूध पीते हुए बछड़े देखे हो? देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छी उदाहरण दे रहे कि ब्रह्मा भी स्तुति कर रहे ठाकुर जी हैं, आहुति धन्या ब्रजोगरमण्या हस्तन्या अमृतम। हाँ, इसलिए वहाँ पर ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे। आप लोग देखे हो कि बछड़े को जब खोल दिया जाता है ना, बछड़े जो खोल दिया जाता है, बछड़ा भी से भागते हुए जाता है और क्या करता है, स्तन में सर्प मारता है और पूछ खड़े कर देता है। उसको माँ क्या करती है, उसको चाटने लग जाती है, हैं? और बच्चा ऐसे स्तन में मुंह मारते हुए पूछ को खड़े करके कितना आनंद से स्तनपान करता है। तो ये चीज ब्रह्मा जी कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, जब बछड़े दूध पीता है कितने प्रसन्न होकर के। इसलिए बछड़े कौन बने हुए? कृष्ण स्वयं, कृष्ण स्वयं बछड़े बने हुए। किसकी दूध पान कर रहे हैं? गैया की। और उस समय कितने खुश होकर बछड़ा दूध पान करता है, प्रसन्न होकर के। फिर माताएं जो बच्चे को स्तनपान कराती हो, जैसे बच्चा एकदम बहुत भूखा है, पेट में आग लग रहा है, उस समय जो बच्चे को स्तनपान कराओ, बच्चा कितने खुश होकर स्तनपान करता है ना, बच्चा कितने आनंद से स्तनपान करता है। यहाँ पर बच्चा कौन बने हुए? कृष्ण स्वयं। यहाँ पर कृष्ण ही बच्चे बने हुए। कृष्ण जब बच्चे बन करके, बछड़े बन करके, तो पानी ले आओगे। बोले गोविंद जय जय गोपाल, पर पितामह ब्रह्मा और सुखदेव गोस्वामी वो कृष्ण को प्रश्न करते, प्रभु लगता है आपका जो राज्य है ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा टाका सरे खाजा, लगता है तुम्हारी जो नगरी ये अंधेरी नगरी है, हैं? ये तुम्हारी अंधेरी नगरी है, क्योंकि आप पुतना को कहां पर स्थान दिया? गोलक में स्थान दिया। अगर ऐसे जो ब्रजवासी है जिनकी स्तन आप स्वयं पान करते समय इतने प्रसन्न होकर के पान आपने जिस ब्रजवासियों को किया, इतने प्रसन्न होकर के बछड़े बन करके जिन गैया की आपने दूध पान किया, कर जैसे आप देखो ना यज्ञ में कहते ना स्वाहा मत्स्या है स्वाहा, अग्ना है स्वाहा, कुर्मा है स्वाहा, बामना है स्वाहा करते हैं। लेकिन प्रभु ये यज्ञ से आप इतने संतुष्ट नहीं होते हो,
जितने संतुष्ट होते हो जब बछड़े बन करके माँ की स्तन पान की बछड़े अब बछड़े बन करके गैया की जब स्तन पान की उस समय कितने खुश दिखते हैं ठाकुर जी हैं। बोले बताओ आप जिनके बछड़े सखा बन के आप उसको क्या दोगे। बोला अगर पुतना को अगर इतने ऊंचे पद दे दिया फिर इनको आप क्या दोगे। इसलिए कहते हैं अंधेरी नगरी चौपटरा का चाका सर भाजी टाका सर खादा। हाँ कहते ना गुरु चले कैसे भ्रमण करते करते कैसे राज्य में पहुंचे, पहुंच करके देखा जो चीज खरीदी करो ना एक रुपया, जो चीज खरीदी करो घी खरीदी करो एक रुपया, रसगुल्ला खरीदी करो एक रुपया, लाबड़ी चमचम रसमलाई एक रुपया, अगर आलू खरीदी करते एक रुपया, अगर कोई भाजी खरीदी करो एक रुपया, दाल खरीदी करो एक रुपया। चेला ने कहा भैया बढ़िया जगह पर आ गए, जो खरीदी करे एक रुपया, फिर दूसरे चीज क्यों खाए, रोज रोज राबड़ी खाए मालपुआ खाए रसमलाई खाए। हाँ थोड़ी सहेद होगी यहाँ पर चेहरा को थोड़ा अच्छे बना दे। बोले गुरु जी यहाँ से और कहीं मत जाया करो, यहीं पर कुछ दिन रह करके शरीर को बनाए। गुरु जी बोले बेटा लगता है ये राजा थोड़ा पागल है, क्योंकि जिस देश का राज्य में ये सब एक एक ही चीज हो वो राज्य कभी टिक नहीं सकता है, कभी वो टिक नहीं सकता राज्य, लगता है ये राज्य नष्ट होने वाले, लगता है राजा कुछ पागल होगा दिमाग से, इसलिए जल्दी जल्दी चलो। गुरु जी बोले गुरुदेव चला, बोले गुरु जी इतने बढ़िया जगह पर आए चलो यहाँ पर कुछ दिन रुक जाओ थोड़ा खा पी कर शरीर को तो बना दे। बोले चला मैं तो जा रहा हूँ। बोले गुरु जी आप जाओ कोई चिंता मत करो मैं थोड़ा अपना चेहरा बना करके आ जाऊंगा। बोले देख बेटा अगर कभी विपत्ति पड़े ना मेरे को स्मरण कर लेना। बोले गुरुदेव कोई चिंता मत करो आप जाओ मैं देख लूंगा। इतने में ये तो खा पी करके रोज रोज मालपुआ ए राबड़ी खा खा करके एकदम मस्त रहा हैं। एक दिन किसी बूढ़ी की घर में चोरी हो गई तो वो चोर जब चोरी करके जा रहा था ना, इतने में बूढ़ी माता जी पीछे से देख लिया था, उतना मोटे मोटे लंबा जोड़ा था। अभी सबरे आकर बोले महाराज हमारे घर में चोरी हो गई। बोले तुमने देखा। बोले पीछे से देखा। बोले क्या देखा। बोले लंबे चोर थोड़ा मोटे से राजा थोड़ा पागल। पुलिस सिपाही को बोले बोले देखो हमारे राज्य में सबसे मोटे कौन है, ये लंबा चौड़ा पर उसको पकड़ कर लिया। अभी उन्होंने घूमते घूमते देखे एक व्यक्ति को देखा वो तो खा पी कर लंबे चौड़े थे, उनको पकड़ कर ले आए। बोले तुमने चोरी किया। बोले मैंने चोरी नहीं की। बोले पीछे से देखा था वो लंबा चौड़ा मोटा था, सबसे मोटा तू वो और लंबे चौड़े। बोले इसको सुली पर चढ़ा दो फांसी चला। बोले हे भगवान पीछे से देख लिया पता नहीं किसने चोरी किया, अब पीछे से लंबा और क्या राज्य में कोई मोटे पट नहीं। बोले तू ही सबसे ज्यादा मोटे निकल लंबे चौड़े तुझे, इसलिए अभी तो बोले सचमुच से गुरु तो सही कह रहे थे, ये तो राज्य के राजा तो पागल है, पीछे से देख लिया मतलब जो मोटा छोटा उसको ही पकड़ कर ले आओ। अभी मरने से उसको सूली देने से पहले ना उसको पूछा जाता है अगर कोई कोई इच्छा हो तो बताओ। बोले भैया गुरुजी से मिलने की इच्छा। बोले गुरुजी कहाँ रहते हैं। बोले अमुक स्थान पर रहते हैं। बोले गुरुजी को बुला कर लाओ। बोले बेटा क्या बात है। बोले गुरुजी सही आप बता रहे थे राजा कुछ पागल है, हैं लगता है तो पागल, पता नहीं मैं तो खा पी करके मोटा छोटा लंबा चौड़ा बना, रोज रोज घी पीता था राबड़ी पीता था और पता नहीं किसने चोरी की, पीछे से देख लिया बूढ़ी माता जी। बोले लंबे चौड़े मोटे में तो खा पी कर मोटा बना था। बोले उसको ढूंढो अब मिले तो मेरे को पकड़ कर जोर जबरदस्ती लिया है। गुरु जी गलती हो गई बार बचा दो गुरु जी, कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। बोले देख बेटा हम आपस में लड़ेंगे, मैं बोलूँगा मेरे को सूली पर चढ़ाओ, तुम बोला तेरे को सूली पर चढ़ाओ, फिर मैं जो कुछ होगा कर लूंगा। ए इतने लड़े। गुरु जी कहते हैं मेरे को सूली पर चढ़ाओ और चेला कहता है मेरे को सूली पर चढ़ाओ। ए बोले मेरा तेरा इतने लड़ाई। राजा बोले भैया क्या हो गया, ये दोनों मरने के लिए इतना लड़ाई क्यों कर रहे हैं। राजा बोले गुरु जी को बोले क्या बात है ये मरने के लिए लड़ाई क्यों कर रहे। बोले गुरु जी आप ये राजा आपको पता नहीं, आते समय मैंने पंचांग देख करके आया, 100 साल के बाद में अमृत योग आज ही है, आज का दिन जो मरेगा ना वो सीधा वैकुंठ हो जाएगा, मैं पंचांग देख करके आया हूँ और ये 100 साल के बाद में ये अमृत योग पड़ा है, ये सहज में नहीं आता है। बोले 100 साल के बाद में। बोले आज का दिन। बोले आज विशेष दिन, इसलिए गुरु जी बोले मैं मेरे को फांसी पर चढ़ाओ और चेला कहता मेरे को फांसी पर। राजा ने देखा मेरी मैया 100 साल के बाद में, मेरी भैया तो बूढ़ी हो गई,
कुछ दिन बाद मरने वाले, इसलिए अपना मैया को बैकुंठ क्यों नहीं भेज दे, बोले दोनों भागो, जरूरत नहीं फांसी में चढ़ने का, चल भागो यहाँ से, हैं अपना मैया को मैं फांसी में चढ़ा दूंगा। गुरु जी ने कहा बेटा चलो यहाँ से भागो, बांस गुरु चला भाग गए, बांस अपना मैया को फांसी पर चला दिया। देखो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते बोले प्रभु आप ये बताओ पुतना को कहाँ स्थान है, इसलिए कहते वैसे भी गति नहीं दिया, ठीक वैसे जैसे उदाहरण यहाँ देकर कहते हैं, जैसे हम किसी व्यक्ति को उदाहरण देते भैया इसका कितना संपत्ति, बोले कैसे, बोले महाराज चित्तो जैसे संपत्ति, महाराज जैसे संपत्ति, लेकिन महाराज जैसे संपत्ति नहीं है, उदाहरण देने के लिए देखो इसको पास में कितने पैसा, देखो इस राजा महाराज के पास में, लेकिन थोड़ी राजा महाराज के पास में कितना संपत्ति, थोड़ी इतना संपत्ति है, लेकिन क्या बोलो उदाहरण देने के लिए महाराज चित्त जैसे संपत्ति कहती है, लेकिन महाराज जैसे नहीं। उसी तरह इनको जो गति प्रदान की है किसको, पुतना को, धाई चित्त भी, मतलब धाई माँ की जैसे नहीं, उनकी जैसे उनको गति प्रदान की, लेकिन धाई पूरा धाई की पद उन्होंने नहीं दिया। इसलिए लेकिन ये जैसे कंस ये भी तो कृष्ण को बहन किया, कृष्ण को द्वेष किया, लेकिन इनकी अंदर कंसों के अंदर में और ये पुतना के अंदर में फर्क किया था, कंसों को और पुतना के अंदर में फर्क किया था, कंस भी तो बहन रूप में, लेकिन पुतना के अंदर में ये फर्क था, इसने माँ की जैसे बेस बना कर गई थी, हैं माँ की जैसे उसने बेस बना कर गई थी, और थोड़ी समय के लिए उन्होंने एक नाटक की, जैसे कृष्ण का सो रहे थे, बोले मैया यशोदे इतने सुंदर लाला को थोड़ी पलने में झुलाते हैं, उसको तो गोद में लेकर प्यार करते, जैसे कि माँ होता है ना, यद्यपि हृदय में इस द्वेष से मारूंगी, लेकिन भावना की थोड़ी समय के लिए उन्होंने, जैसे कि माँ देखती है बच्चे को, उसने माँ जैसे उन्होंने देख लिया था, भगवान इतने में रीझ करके उनको उन्होंने क्या स्थान दे दिया, गोलोक वृंदावन में धाई चित्त गति प्रदान की, धाई मैया जैसे नहीं है, हैं इसलिए कहते किम पूर्ण श्रद्धा है भक्त्या कृष्णाय परमात्मनि, भगवान को अगर कोई श्रद्धा पूर्वक अगर भजन करे तो ठाकुर उनको क्या नहीं देंगे। कृष्ण रखे इसलिए नंद बाबा ने हैं कहते नंद बाबा ने फिर उन्होंने बड़े अनुताप किए, क्या अनुताप किए, अगर मैं रहता तो यहाँ पर कभी ऐसे अनुभव नहीं होता, क्योंकि मैंने चला गया था कर देने के लिए महाराज कंस को, इसलिए मेरे पीछे से ये पुतना ने घुस करके इतने हाँ गड़बड़ किया है। कहते अगर कोई ये कथा को सुनेगा तो, कहते अगर कोई श्रद्धापूर्वक ये कथा सुनेगा तो उसको फल क्या मिलेगा, उसको फल क्या मिलेगा, बोले गोविंद लभते रतिम, फल श्रुति, इसका जो फल श्रुति है इसको कोई सुनेगा तो उसको ठाकुर जी के चरण में प्रेम बढ़ेगा, क्योंकि उतना ऐसे व्यक्ति को अगर कोई दे सकते हैं, अगर ठाकुर जी को जो भक्ति करेंगे उसको क्या नहीं देंगे, इसलिए कहते भक्ति करनी चाहिए, किसको भक्ति करनी चाहिए, कृष्ण को ही भक्ति करो और किसी को भक्ति नहीं करनी चाहिए, क्यों, कृष्ण अत्यंत दयालु और कृष्ण अत्यंत कृपालु। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय गौर ब्रह्मानंद हरि हरि बोल, हरे कृष्ण, जाओ आरती कर जाओ। हाँ देखो हाँ जो परसों है, परसों हमारे बड़े गुरुजी, हमारे दो गुरुजी हैं, एक भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, इनका तो तिरुभाव, और भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज, इनका आविर्भाव, परसों ये दो महापुरुषों का ये तिथि है, इसलिए परसों थोड़ा जल्दी आ जाना, कितना जाओगे 4 बजे फिर 5 बजे आएगी ना, आधे 4 बजे तो इसलिए कोशिश करना, जिससे अगर क्योंकि दो दो महापुरुष का तिथि है ना, जितने दूर हो सके उनकी ज्यादा से ज्यादा हम कथा सुनेंगे, और सब अड़ोसी पड़ोसी सब माताओं को और भाई लोग सबको बुला करके उसी दिन ले आना, उस दिन धूमधाम से हम लोग उनकी तिथि पालन करेंगे, उनकी दिव्य चरित्र को हम श्रवण करेंगे, ठीक है, और बावन गोस्वामी महाराज का 100 वर्ष पूर्ति है, उनका सेकेंड ईयर है ना, बावन गोस्वामी महाराज का उस दिन
सब सपूर्ति है और हमारे नारायण गोस्वामी महाराज का फेब्रुआरी कितना तारीख को 12 तारीख उनको उनको पूरी होगा क्या 100 साल पूरी होगा। इसलिए इसी इसकी जो साल है अलग अलग अगर कोरोना आकर ना गड़बड़ी कर दी नहीं तो उनकी जो उनकी जो तिथि हम सोच रहे थे बहुत सारे जगह पर बहुत बड़े बड़े रूप में भी पालन की जाएगी बहुत बड़े बड़े रूप में और किसको बंद कर दे इसलिए हम सोच रहे थे अगर हमारे यहाँ पर जगह हो जाता है हम तो यही करते हम सोच रहे थे अगर देखो अगर ठाकुर का जनवरी में बोल रहे थे अगर उनका कोर्ट बंद है अगर कोर्ट अगर खुल गया अगर किसी तरह से अगर ये जगह हमें मिली हम कोशिश करेंगे टेंट नहीं हो सकते कोशिश करके जितना दूर हो सके अगर हमारे प्रेमचंद को बोल रहे एक फ्लोर हो जाए अगर कम से कम एक फ्लोर अगर बन जाए हाँ क्योंकि एक साल तक अलग अलग जगह पर चलेंगे हाँ 2021 में अगर यहाँ पर अगर किसी तरह से कुछ खड़े हो जाए हम सोच रहे थे सारे वैष्णव लोगों को बुला करके बड़ोद में बड़े धूमधाम बहुत सुंदर जोर जोर से हम लोग यहाँ पर भागवत कथा करते 7 दिन तक और सब वैष्णव को बुलाते भागवत कथा करके फिर लास्ट में जैसे रथ यात्रा करते है ना जैसे पूरा बड़ोद में इस बार हम सोच रहे थे विशेष पूर्वक जगन्नाथ जी रथ यात्रा करके पूरा सब भक्तों को बुला कर क्या अगर देख हमारे मित्र सब कह रहे थे 7 दिन कथा सभी संत लोग अड्डे पर आएंगे पैदल पूरे बाजार में दर्शन देते हुए सबको जैसे जैनों का आते हैं ना ऐसे हमारे आएंगे पूरे बाजार में पूरे 2000 लोग साथ हाँ जैसे जैनों का आते हैं ना प्रधान जी देखो जगन्नाथ जी का क्या इच्छा अभी उनका इच्छा नहीं होगा ना वैसे कुछ हो ही नहीं सकता इसलिए आप लोग जगन्नाथ और विशेष कर बलदेव को क्योंकि जगन्नाथ जी के लिए आश्रय स्थान कौन बनाते हैं बलदेव को बनाते हैं खैर इसको जोड़ने वाले कौन जोग माया सरमणि श्री इसलिए जो तीनों बैठे हैं ना सारा दुनिया के मालिक है इसलिए बलदेव प्रभु उनके लिए स्थान बनाने वाले हैं कृष्ण कहाँ पर बैठे रोज मंगल की सुभद्रा को अरे सुभद्रा देवी जोग माया सारी लीला करने वाली है और जगन्नाथ जी तो आनंद घूमने वाले हैं गुरुदेव डेली मंगल गीत सुनाओ ठाकुर जी को प्रसन्न हो जाएंगे डेली मंगल गीत सुनाओ प्रसन्न हो जाएंगे चले बलदेव प्रभु का क्या अच्छा है उनको ही पता होगा उनको क्या अच्छा है और सुभद्रा देवी जगन्नाथ जी को क्या अच्छा है उनको ही पता होगा वो क्या चाहते हैं क्योंकि उनकी जब हम परसों आशीर्वाद दिया आशीर्वाद कितना दूर तक वो ले जाते इधर की तरफ इतिहास चाहिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे Hare Krishna
सचिनंदन गौर हरि की जय। की जय जय जाना।